हेलो दोस्तों, हमें कॉमिक कजिन्स और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं मार्वल के व्हाट इफ कॉमिक सीरीज स्पाइडरमैन स्पाइडर शैडो का 4th इशू। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे स्पाइडरमैन स्पाइडर शैडो के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें पहले देख लीजिएगा, उनका लिंक अभी ऊपर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए बिना इंतज़ार किए शुरू करते हैं। ओह एक मिनट, मैं तो इंट्रो रोल करना भूल ही गया। सो फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। ये इशू ठीक वही से शुरू होती है जहाँ पर इशू 3 खत्म हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन, एमजे, ब्लैक कैट और जोना पीटर के अपार्टमेंट के अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि पुलिस पीटर के अपार्टमेंट पर नजर रखे हुए हैं। कारण पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। किंग पिन ने ये बात मरने से पहले दुनिया को रिवील कर दिया था और ये भी कि पीटर एक मर्डरर है, यानी कि स्पाइडरमैन एक मर्डरर है। जोना कहता है कि वो जाके पुलिस को ये समझाने की कोशिश करेगा कि पीटर निर्दोष है, लेकिन एमजे और ब्लैक कैट उसे मना करते हैं क्योंकि पुलिस उनका विश्वास नहीं करने वाला। स्पाइडरमैन इसके बाद उठ के सूट अप कर लेता है अपने वही रेड और ब्लू आइकॉनिक कॉस्ट्यूम में और कहता है, मैं अभी भी उस सूट को महसूस कर सकता हूँ। वो बाहर कहीं पर अभी भी जिंदा है और मुझे उसे ढूंढने के लिए मदद चाहिए, मगर मैं तुम लोगों को मेरे करीब नहीं रखना चाहता जिसके वजह से तुम लोगों को पुलिस का सामना करना पड़े। इसीलिए चलो निकलते हैं यहाँ से। इसके बाद स्पाइडरमैन ब्लैक कैट को कहता है जोना को घर पहुँचा देने के लिए क्योंकि अभी उन्हें चुप रहना पड़ेगा, और वो कहता है कि वो रूट के पास जाएगा क्योंकि उसने सूट को स्टडी किया है तो वो बता पाएगा कि सूट का क्या करना है। इसके बाद हम सब वापस जोना का वही ओरिजिनल बर्ताव देखते हैं जहाँ वो पीटर से कहता है, मैं जे जोना जेमिसन हूँ और मैं ब्यूगल में तुम्हारे बारे में सब बताऊँगा और तुम्हारे सर के ऊपर एक अरेस्ट का प्राइज मनी भी रखूँगा। ये सुनकर स्पाइडरमैन निराश होकर बोलता है, रहने दे भाई, अपने पूरे जीवन में एक दिन के लिए रहने दे। और इसके बाद वो एमजे को लेकर उसके घर पहुँचा देने के लिए निकल जाता है। इसके बाद अचानक से एमजे और पीटर दोनों देखते हैं कि एक बिल्डिंग पूरा सिम्बायोट से कवर चुका था। एमजे जब उससे पूछती है कि वो क्या है, तब स्पाइडरमैन जवाब देता है, वो बैक्स्टर बिल्डिंग है फैंटास्टिक फोर का, वो सिम्बायोट मुझसे पहले ही रीट तक पहुंच गया है। पीटर इसके बाद खुद को कोसते हुए कहता है, ये मैंने क्या कर दिया। ये सुनकर एमजे उससे कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, वो सूट इविल था। पीटर फिर कहता है, यही तो बात है, मुझे नहीं लगता कि वो इविल था, वो बस मेरे फीलिंग्स को शो करता था। मैं खुद विलेंस को मारना चाहता था क्योंकि मैं इन सब से थक चुका था। मेरे परिवार और दोस्तों का मरना मैं और सहन नहीं कर सकता था, मगर इन सब के बाद भी आंट में मर गई। एमजे फिर कहती है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम सबसे बेस्ट इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ। इसीलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसीलिए कि तुम अच्छे काम करते हो परफेक्ट ना होने के बावजूद भी, चाहे तुम कितना भी गुस्से में क्यों ना हो। वो डार्क साइड, तुम उससे लड़ते हो और हर बार उससे जीतते हो। उस सूट ने तुम्हें ये करने के लिए मजबूर किया था, मगर तुम अब भी वो पीटर हो जिसे अंकल बेन और आंट मे ने बड़ा किया है, और ये आदमी अंधेरे को खड़ाता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ किस करते हैं। देन अगले ही पेज पर हम देख सकते हैं कि एवेंजर्स फैंटास्टिक फोर के साथ बैक्स्टर बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, जहाँ पर आयरन मैन कैप्टन अमेरिका से कहता है, ये जो चीज़ बिल्डिंग को ढका हुआ है, इसके आर पार कोई भी सिग्नल नहीं जा रहा है, और इसके अंदर कितने लोग हैं और ये चीज़ क्या चाहती है, ये भी हम नहीं जानते। उसी वक्त स्पाइडरमैन वहाँ पर आ पहुँचता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है आयरन मैन, और वो चीज़ मुझे चाहती है। ये सुनकर जॉनी कहता है, हाँ ये तुम्हारी ही गलती है, रीड ने तुमसे कहा था उस सूट को उतार देने के लिए, और अब रीड और बेन दोनों उस बिल्डिंग में फंसे पड़े हैं। सू स्टॉर्म आके फिर जॉनी को रोकने के बाद स्पाइडरमैन से पूछती है, तुम इस चीज़ के बारे में क्या जानते हो। स्पाइडरमैन जवाब देता है, मैं ये जानता हूँ कि उस चीज़ को आग सहन नहीं है। आयरन मैन स्पाइडरमैन को रोक देने के बाद कहता है, हम पहले ही आग से कोशिश कर चुके हैं, मगर हम जो भी करें तो सिम्बायोट को किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा है। जॉनी ने हमें जो बताया उसके अनुसार सिम्बायोट ने रीड के दिमाग का कंट्रोल ले लिया है और उसके जीनियस दिमाग का इस्तेमाल करके वो अपने आप को और भी शक्तिशाली बना रहा है। स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे लगता है कि वो सूट मुझे अंदर बुला रहा है। ये सुनकर कैप्टन अमेरिका कहते हैं, मैंने जो सुना है उस चीज़ ने तुम्हें वो मर्डर्स करने के लिए मजबूर किया है,
तो वापस तुम्हें उसके हवाले कर देना, ये सब हम कभी भी नहीं चाहेंगे। मगर स्पाइडरमैन अपना मास्क खोल के कैप्टन अमेरिका के सामने खड़ा होता है और उनसे कहता है, मैं उसे दोबारा मुझे कंट्रोल करने नहीं दूंगा। इसके बाद स्पाइडरमैन अंदर जाने के लिए रेडी होता है और अचानक ही वो सिम्बाइड एक रास्ता खोल देता है स्पाइडरमैन के अंदर जाने के लिए। एमजे स्पाइडरमैन को अंदर जाने से रोकने की कोशिश करती है, मगर स्पाइडरमैन कहता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है, मगर एमजे भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। जॉनी एमजे को अंदर जाते हुए देख वो भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे अंदर चला जाता है। स्पाइडरमैन फिर एमजे और जॉनी दोनों को अंदर देखकर चौंक जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या किया, तुम लोग अंदर क्यों आए। फिर कुछ देर बाद जॉनी स्पाइडरमैन से कहता है कि रीड का लैब 33rd फ्लोर पर है। एमजे वहाँ पर दोनों लोगों को देखती है जिनको वो सिम्बाइड ने कंट्रोल करके रखा है। फिर उनको देखकर एमजे बोलती है कि वो लोग जिंदा तो है लेकिन वो अपने होशो आवाज़ में नहीं है। और वहाँ से एमजे एक बंदूक उठा लेती है अपने प्रोटेक्शन के लिए और स्पाइडरमैन उससे वहाँ पर ही रुकने के लिए बोलता है। जॉनी फिर कहता है कि हम लोग एलिवेटर शाफ्ट से ऊपर जाएंगे। पीटर उसके पीछे पीछे आते हुए अपने मन में सोचता है, मैं डरा हुआ हूँ, मैंने कैप को बोल तो दिया मगर ऐसा लगता है कि सिम्बाइड ने मेरे सोल के अंदर कुछ ऐसा उजागर कर दिया है जिसे मैंने बहुत सालों पहले कवर दे दिया था। इसके बाद जब जॉनी और स्पाइडरमैन 33rd फ्लोर के सामने पहुँचते हैं तभी द थिंग ऊपर से नीचे कूद के जॉनी को एक ज़ोरदार पंच मार के दूसरे फ्लोर में पहुँचा देता है और फिर अचानक ही आके स्पाइडरमैन को भी मारता है इससे पहले कि स्पाइडरमैन वहाँ से हिल भी पाए। फिर स्पाइडरमैन किसी तरह से उठकर उस फ्लोर पर आता है मगर इससे पहले कि वो खड़ा हो पाए द थिंग उसके सर को पकड़ के उसे ज़मीन के अंदर घुसा देता है। मगर स्पाइडरमैन बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाता है। इसके बाद वो किसी तरह से खुद को मोटिवेट करके उठता है और अपने दोनों हाथों से द थिंग को मुंह पर एक ज़ोरदार पंच मारता है। फिर पीटर खुद से कहता है, मैं गुस्से में हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अब मैं अपने पंचेस पुल बैक नहीं करूँगा, मैं पूरे ज़ोर से सारे पंचेस मारूँगा मगर मैं अपने 100% में अभी भी नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन का जितना भी दम था वो पूरा लगा देता है मगर द थिंग स्पाइडरमैन के मूवमेंट्स को परख लेता है और उसके सीने पर एक पंच मार के उसे दूर फेंक देता है जिससे कि उसका एक रिब टूट जाता है। इसके बाद वो सोचता है थोड़ा सा असिस्टेंस से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बोलने के बाद स्पाइडरमैन द थिंग को लात मार के बिल्डिंग के दीवार को फोड़ कर बाहर फेंक देता है जहाँ पर वो द एवेंजर्स के बीच जा गिरता है। स्पाइडरमैन इसके बाद जॉनी को कॉन्टैक्ट करता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है और एमजे कहाँ पर है। ये पूछने के बाद स्पाइडरमैन बेहोश हो जाता है। इसके बाद ही हम वेनम रीड का एक रूप देखते हैं जो कि एक अपग्रेडेड सूट पहने हुए है जिसको वेनम ने रीड के दिमाग का इस्तेमाल करके बनाया है। फिर वेनम जॉनी को कहता है, स्पाइडरमैन यहाँ जल्द ही आएगा देखने के लिए कि मैंने उसके लिए क्या किया है। जॉनी कहता है, रीड तुम ये क्या कर रहे हो। वेनम जवाब देता है, नहीं रीड नहीं, मैं बस उसके दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पीटर सब लोगों को बचाना चाहता था और मैं अब वो सब लोगों को बचाने वाला हूँ। जॉनी अपना आँख का इस्तेमाल करता है वेनम के ऊपर लेकिन वो अपने एडवांस सूट से उस आँख को रोक देता है और कहता है, मुझे आँख से फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे बच्चे अलग प्रजाति के हैं। और वेनम एक बटन को प्रेस करके एक वेव की तरह सिम्बाइड्स को फैला देता है बैक्स्टर बिल्डिंग से। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन उठता है और जॉनी बैकअप के लिए उससे मदद मांगता है ईआरपीस के ज़रिए। अब क्योंकि जॉनी का आग वेनम के खिलाफ काम नहीं कर रहे तो वेनम जॉनी को एक ज़ोर से पंच मारता है और फिर उसके सर को पकड़ के उसे मार देने ही वाला होता है कि तभी अचानक पीछे से कोई गोली चलाता है वेनम के ऊपर और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि एमजे है। स्पाइडरमैन एमजे का आवाज़ सीआरपीस पर सुन के घबरा जाता है क्योंकि अब एमजे का जान भी खतरे में था। स्पाइडरमैन फिर खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। और लास्ट शॉट में हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग के बाहर वेनम के बनाए हुए सिम्बाइड्स एक एक करके सारे एवेंजर्स को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन स्पाइडर शैडो का इशू 4 ख़त्म होता है और हम जस्ट एक ही इशू दूर है ये सीरीज कंप्लीट करने से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट करना कि कैसा लगा ये वीडियो, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों से भी इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और भी ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए। सो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी।